यहाँ पर जो जो सीखा है यहाँ पर कैलकुलेशन करना, चंदा मामा दूर के, तो हमने चंदा का कैलकुलेशन किया, हमने खर्चा एक साल का कैसे निकालेंगे इसका भी कैलकुलेशन किया, यानी कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंस, क्या क्या किया। तो यहाँ पर कैलकुलेशन हमने सीखा है, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन कौन से साल का, चालू वर्ष के का है ना, और दूसरा हमने फिर एक कैलकुलेशन सीखा है एक्सपेंस वाला, नहीं कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंस कौन सा ईयर, करेंट ईयर का, पिछला अगला को घटाते एडजस्ट करते हुए, है ना। दो तीसरा जो हम अभी सीखने जा रहे हैं एनपीओ का, भाई एनपीओ जो है जैसे मान लो कि एक उदाहरण लेता हूँ, जैसे एनपीओ जैसे हॉस्पिटल, अब ये हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मान लो सतीघाट अस्पताल है का, तो सतीघाट अस्पताल में यहाँ पर दवा जो है मेडिसिन जो है इस अस्पताल में, ये अस्पताल मेडिसिन इसके पास आता होगा, ठीक है कि नहीं, जैसे मेडिसिन आता होगा, मेडिसिन परचेज किया तो उस मेडिसिन को क्या किया गया, फ्री बांटा गया कि नहीं, जो पेशेंट हैं जो रोगी लोग हैं उन रोगियों को क्या बांटा गया, फ्री में दिया गया कि पैसा लेकर दिया जाता है, मुफ्त में, मुफ्त कहते हैं उसे, तो उसमें मेडिसिन दिया गया। तो अच्छा क्या इसको बेचने के लिए वो हॉस्पिटल वो जो सरकारी अस्पताल है क्या इसे बेचने के लिए रखा है उसने मेडिसिन को, नहीं ना, सेवा देने के लिए। तो उसके पास यानी एनपीओ के पास, तो ये जो संस्था है ये जो अस्पताल है ये एक एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके पास जो ये मेडिसिन का स्टॉक है वो सेल करने के लिए नहीं है, ये किस लिए है, ये है सेवा देने के लिए, यूज़ करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, उपभोग कर लेने के लिए, खुद ही पर खर्च करने के लिए, संस्था अपने पर ही खर्च कर लेती है। अपने पर खर्च करने का मतलब संस्था में जो हम तुम जैसे पेशेंट जाते हैं इलाज करवाने जाते हैं तो दवा भी मिलता है ना वहाँ, सरकारी डॉक्टर इलाज करता है, फिर वहाँ पर दवा लिख देता है, वो दवा काउंटर नंबर पर एक रुपया का फॉर्म भर कर जमा पर मिल जाता है, फ्री में मिला ना जी। तो कहने का मतलब वो सेल के लिए नहीं है, किस लिए है, पेशेंट को सप्लाई करने के लिए, पैसा लेकर नहीं, फ्री में। तो ये हो गया मेडिसिन, अस्पताल में मेडिसिन स्टॉक होगा, ठीक है, और वही कोई स्पोर्ट्स क्लब होगा, क्या बोला, स्पोर्ट्स क्लब होगा, वही कोई स्पोर्ट्स क्लब होगा तो वहाँ पर खेल कूद का जो सामान है, टेनिस बॉल, बैट बॉल, वॉलीबॉल, बास्केट बॉल, है ना भाई, यही सब होगा खेल कूद का सामान, तो ये सब स्टॉक के रूप में होगा, स्पोर्ट्स मटेरियल्स, कौन सा मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल, ये सभी वहाँ पर बेचने के लिए ये लोग थोड़ी खरीदते होंगे स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स क्लब है तो बेचने के लिए तो नहीं खरीदते होंगे, अपने मेंबर्स को सेवा देने के लिए, जो मेंबर्स है वहाँ जाके अपना खेलते होंगे, उधर डीजे लाउड बजता होगा, इधर ये बैडमिंटन खेलते होंगे क्या, हाँ, तो वो स्पोर्ट्स मटेरियल है, उसको ख़रीदा है किस लिए, तो उसको ख़रीदा गया है बेचने के लिए, जी नहीं, कंज्यूम करने के लिए। मेडिसिन ख़रीदा है अस्पताल ने किस लिए, कंज्यूम करने के लिए। तो जितना आप कंज्यूम कर लोगे एक साल के दौरान, एक एनपीओ जो है एक साल के दौरान जो भी स्पोर्ट्स मटेरियल या मेडिसिन खरीदती है कंजम्पशन के लिए खरीदती है, तो जितना एक वर्ष के दौरान खरीद कर कंज्यूम कर लेगी वही खर्चा माना जाएगा। मान लो खरीदा है इन्होंने मेडिसिन 2 लाख का, हेलो, खरीदा है 2 लाख का और उन्होंने 1,80,000 का मेडिसिन बांट दिया है रोगियों में, सेवा दे दिया इतने का, तो इनका खर्चा, खरीदा है 2 लाख का तो एक साल का खर्च 2 लाख नहीं माना जाएगा, कंज्यूम कितना किया गया है 1,80,000, तो कंजम्पशन जितना है उतना ही एक वर्ष का खर्च माना जाएगा कंजम्पशन, समझ गए बात को। तो यहाँ अब लिखते हुए स्टार्ट करते हैं, तो हम ये समझ रहे हैं यहाँ पर कि एक वर्ष का खर्चा माना जाएगा, तो मानकर क्या करेंगे, मानकर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में दिखा देंगे, पूरा वाला नहीं दिख, सारा का सारा नहीं दिखाएंगे 2 लाख,
180,000 ही दिखाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो क्वेश्चन रहेगा वो दो टाइप का इस मटेरियल पर क्वेश्चन रहेगा। कौन सा मटेरियल सर? तो कंज्यूमेबल मटेरियल। कौन सा? हाँ, कंज्यूमेबल मटेरियल, मटेरियल्स। सर हिंदी बता दीजिए। तो हिंदी में कहते हैं उपभोग जन्य वस्तुएं, यानी जिन वस्तुओं का आप बेचने के लिए नहीं खरीद रहे हो, यूज़ करने, कंज्यूम करने के लिए खरीद रहे हो, उपभोग करने के लिए। समझ, उपभोग करने का मतलब समझते हो ना? यहाँ मैंने मार्कर खरीदा है, क्या कर रहा हूँ? कंज्यूम कर रहा हूँ, भोग नहीं लगा रहा हूँ, उपभोग कर रहा हूँ भगवान। ठीक है, तो उपभोग जन्य वस्तुएँ तो ठीक है, आप परचेज करो पहले इन वस्तुओं का। तो या तो आपको क्वेश्चन में परचेज यानी खरीद दिया होगा, परचेज दिया होगा, परचेज दिया होगा, या तो परचेज। अरे साधो भाई, आओ कर रहा है, साधो ना भाई। वो तो लड़के ही का शांत हो गया, तो सुस्त पड़ गया, बोला सर सर चाकू छुरी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो बोले जा रहे हैं। अरे यार इधर देखो भैया, मैंने कहा कि रिफ्रेश हो जाओ, नाश्ता मंगवाएं क्या तुम्हारे लिए? चाय मंगवाएं, पियोगे? हाँ तो ठीक है, चलो तुम ना फिर बाद में मत पूछना, सर ने पूछा नहीं, परचेज गिवन है। हाँ, और अगर परचेज नहीं दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, तो क्वेश्चन ये दो तरह का होगा। गिवन मैंने क्या हुआ? हाँ, दिया गया, परचेज दिया गया है, अब परचेज नहीं दिया गया है, क्या बात है। चलो ठीक है, परचेज अगर दिया रहेगा तो सवाल को आगे बढ़ाइए। तो क्या क्या मिलेगा आपको सवाल में, आप कैसे बनाइएगा? देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि साल के शुरू में आपके पास जो भी मटेरियल हो, चाहे मेडिसिन का मटेरियल हो या खेलकूद का मटेरियल हो, स्पोर्ट्स मटेरियल, तो जो भी मटेरियल हो वो सब कितना था साल के शुरू में, पहले से कितना था। तो हम यहाँ पर फार्मूला भी लिख रहे हैं और साथ में अमाउंट लेकर समझो तो सवाल भी, क्वेश्चन भी बना रहे हैं। तो पहले से आपके पास मटेरियल था, पहले कहने का मतलब साल के शुरू, क्योंकि मैंने यहाँ ओपनिंग लिखा है, और वर्ष का शुरू का डेट आप पता लगा लेंगे। कैसे पता लगाते हैं? 1 जनवरी, 1 अप्रैल, समझ रहे हैं? तो ओपनिंग स्टॉक पहले से 10,000 का था, हो सकता है साल के दौरान आपने और ख़रीदा, तो साल के दौरान, एक साल के दौरान आपने और ख़रीदा, तो यहाँ पर परचेज ऑफ मेडिसिन या परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल आपने और ख़रीदा। मान लो आपने और कितने का ख़रीदा? 6,000 का। तो आपके पास टोटल कितना खपत करने के लिए उपलब्ध हो गया आपके पास? 16,000 का, यानी आप एक साल में आप 16,000 का खपत कर सकते हैं। लेकिन आपने खपत कितना किया? तो आपने खपत जितना किया वो निकाल रहे हैं, कितना खपत किया वो निकाल रहे हैं, कितने के लागत का खपत कर दिया, कितने के कॉस्ट का खपत कर दिया, कंजम्पशन खपत। समझ रहा है कि नहीं? हाँ, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि हमारे पास बच गया 4,000 साल के अंत में, तो हमने खपत कितना कर दिया? 4,000। तो साल के अंत में अगर बचा हुआ है साल के अंत में बचा हुआ है 4,000 का, तो खपत कितना हो गया? 4,000 का। तुमने खरीदा, तुम्हारे पास, तुम्हारे जेब में 4 चॉकलेट पहले से थे, ठीक है, तुमको 6 गो और दिया गया, कुल हो गए 10, अब तुम्हारे जेब में बचे हैं 3, तो और 7 कहाँ गया? खा गया ना तुम, उसी को ना बोलते हैं कंज्यूम, कर बेच दिया, कंज्यूम कर गया, वही तो यहाँ निकालना है। हाँ, तो इसका मतलब ये आ गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जो भी मटेरियल हो ये वाला, उसका लागत आ गया कंज्यूम्ड, यानी जो उपभोग किया गया, उपभोग की गई वस्तुओं का लागत, ठीक है, ये क्या आ गया? उपभोग की गई सामग्री की लागत। आसान है ना? तो परचेज ये गिवन था इस केस में, तो आपको ये 3 सूचना दिया रहेगा, आसानी से निकाल लेंगे। और इसी को कहाँ ले जाएंगे बोलो ना, है ना, ट्रांसफर कहाँ पर करोगे? ऑन द
कहता है अरे कुछ नहीं है भैया, अभी बोले लागत कहाँ, खर्चा कहाँ लिखोगे? अरे खर्चा कहाँ पे दिखाते हैं? कौन से डेबिट साइड? अरे खर्चा कहाँ पे दिखाते हैं? खर्चा कहाँ दिखाते हैं? इनकम है घर पर किछो नहीं पड़े चाहिए, तो यही भरोसे चीज कहीं गड़बड़ा नहीं लिया तो खर्चा कहाँ दिखाते हैं? फाइनल अकाउंट में यो नहीं मालूम छो, ककरो नहीं मालूम छो। अभी तब से जो हम दिखा रहे हैं ये सब, ये खर्चा कहाँ दिखाए हैं? ये जो खर्चा का कैलकुलेशन हुआ है वो जो आया था 30,800 रुपया, वो कहाँ पे दिखाते हैं? फाइनल अकाउंट में कहाँ दिखाते हैं? फाइनल अकाउंट का मतलब तो तीन चीज होता है। अरे फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट में क्या सब आता है? इसी क्लास के भरोसे हो, अपने हिसाब से कुछ भी नहीं, तब कौन का कैसे? फाइनल अकाउंट में क्या सब आता है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑन बैलेंस शीट। अहो भाग्य हमारे प्रभु, कैसे हैं आप लोग? इससे काम नहीं चलता है। अरे कहाँ दिखाते हैं? एक्सपेंडिचर साइड में, खर्चे वाले भाग में। तुम लोग क्या कर रहे हैं? डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो हम इसको जो ट्रांसफ़र करेंगे, ये जो लागत आया है एक वर्ष का, जो भी मटेरियल आपने कंज्यूम किया है एक वर्ष के दौरान, ध्यान दो ना तुम इधर, एक वर्ष के दौरान जो भी लागत पड़ा है इसका, जितना आपने खपत कर लिया, उस खपत का जितना लागत पड़ा है वो यहाँ 12,000 आया है, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड। डेबिट साइड मतलब एक्सपेंडिचर साइड। तो आपको ये निकालना पड़ेगा ये अमाउंट। तो आपको क्वेश्चन में ये तीन सूचना मिलेगा, उससे आप ये निकाल देंगे, यानी कंजम्पशन निकालना है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि मटेरियल कितना कंज्यूम किया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालेंगे अगर हमारे पास परचेज दिया गया है ये। असर जी अगर ये नहीं दिया गया हो, जरा इधर आते हैं, अगर ये नहीं दिया गया हो, परचेज नहीं दिया गया है, तो आप मेरे करण अर्जुन आएंगे वो वाला अकाउंट बना लीजिए। करण अर्जुन आएंगे मतलब हाँ, और नहीं तो भाई भाई अकाउंट बना लीजिए। ठीक है जुड़वा भाई, जब परचेज ना हो ना प्रश्न में और कहे कि भाई इसका लागत निकालिए, तो फिर दो अकाउंट आप साथ में बना लीजिए, दो सूचना को आप साथ में, एक क्रेडिटर को देखिए, एक बार क्रेडिटर को देखिए और दूसरी बार स्टॉक को देखिए। समझ रहा है कि नहीं? किसको देखना है? क्रेडिटर को, स्टॉक को, दोनों के बैलेंस को। तो यहाँ पर बंधु सबसे पहले आप कहाँ देखेंगे? क्रेडिटर के सूचना के तरफ। क्रेडिटर लेनदार, पूरे साल के दौरान कितना नगद भुगतान तुमने अपने क्रेडिटर से किया? देखो जाहिर सी बात है परचेज नहीं है तो परचेज निकालना होगा, और परचेज हो सकता है कि हम किसी से खरीदते हो तो कुछ उधारी भी हो जाता होगा। जनरली ये उधारी नहीं खरीदती बेचती, हालांकि थोड़ा बहुत जो उधारी खरीद लेती है वो मेमोरेंडम रजिस्टर में रिकॉर्ड करके रखती हैं। समझ रहे हो कि नहीं? तो टोटल कैश पेड इन्होंने अपने लेनदार को साल भर के दौरान कितना का भुगतान किया था पहले वो ले लें, फिर ये टोटल कैश पेड टू क्रेडिटर है। लेकिन भुगतान होने का मतलब ये नहीं है कि ये पूरा का पूरा इसी वर्ष का था और इसी वर्ष भुगतान किया भी गया। भुगतान होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। भुगतान होने का मतलब ये है कि हो सकता है पिछला साल वाला बकाया हो वो भी इसी साल भुगतान किया गया हो, और इस साल वाला है वो भी इसी साल भुगतान किया गया हो, और ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर का पैसा भी पहले ही यानी इसी साल यानी करंट ईयर में भुगतान कर दिया गया हो। आपको करंट ईयर का निकालना है, तो इसमें कोई पिछला यानी ओपनिंग क्रेडिटर नहीं होना चाहिए, इस साल का होना चाहिए क्लोजिंग क्रेडिटर। तो आपको फिर से मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि भाई जो ओपनिंग क्रेडिटर मैंने पिछला क्रेडिटर
क्या वो इस साल का है? नहीं जी, वो पिछले साल का जो बैलेंस है वो है, ये पिछले साल का बैलेंस है। पिछले साल उधारी खरीदा होगा तो एक क्रेडिटर का बैलेंस हुआ होगा पहले से तुम्हारे। तो अभी कौन सा वर्ष चल रहा है? चबेले है एकदम से चिंगम, हमरो कभी कभी देते, हम वो चबा देते एकदम। हमने कहा कि भाई पीछे अभी 2022 जैसे चल रहा है ना, तो आप 21 में हो सकता है खरीदे हैं 5,000 का उधारी और तुमने नहीं चुकाया हो अपने क्रेडिटर को, ठीक है? तो अब तो इसका मतलब नहीं चुकाया और तुमने यहाँ आके चुका दिया हो, तो क्या हो जाएगा ये? इसमें इसका मतलब तुमने चुका दिया है तो इसमें क्या शामिल है? ओपनिंग क्रेडिटर का पेमेंट शामिल है ना, तो तुम इसको हटा दो, उसका हटा दोगे उसमें से, समझा रे? तुम समझ गया? पिछला साल वाला क्रेडिटर माइनस करो, जैसे मैं दिखा दे, देखो 10,000 रुपया का उधारी 2000 कितने में था, 21 में, ठीक है, और 2022 में तुमने इसको पेमेंट कर दिया है 12,000। तुम खुद सोचो कि 10,000 का उधारी अगर था पिछला साल और अभी करेंट ईयर में 12,000 पेमेंट किया है, तो तुम बताओ इस साल के लिए कितना पेमेंट किया है? तो ये कैसे पता चलेगा तुमको कि इस साल का 2,000 है? तो इसके लिए तुमको 10,000 घटाना पड़ेगा तब ना हो, यानी पिछला वाला उधारी घटाए हो तब ना ये 2,000 आया है। तो वही तो हम कर रहे हैं, घटा रहे हैं, वही तो कर रहे हैं, ठीक है, बिना चुंगम चबा के। और ये समझ रहा है चुंगम चबा के नींद आ जाता है, तो चुंगम जो चबाते हैं ना तो पाज बोलते हैं उसको, पाज नहीं समझते हो? हाँ, आयुष करता रहता है, मैं वो लोग ब्रश करता है, तुम्हें भी ब्रश करने जरूरत, नींद आ रही है तो चुंगम चबाते रहो, नहीं एगो ठंडा भी ले आओ, हम भी पी लेंगे, चिप्स भी ले आओ, सो सब तो करेगा नहीं खर्चा, 1 रुपया का चिंगम लाएगा अपने मुंह में खा लेगा, चबाते रहेगा, अपना नींद भगाएगा, 2 घंटे के बाद फेंक देगा, कहता है क्लास में फेंक देगा। यही तुम्हारा भाग्य जो है ना गलत जा रहा है, इसलिए दिक्कत है, इसलिए सब तुम ही को दोषी मानते हैं। यहाँ पर सोचो, समझ रहा है, तुमको बोलने का ढंग नहीं है, क्लास में कौन फूकेगा बताओ? तुम जिस बिस्तर पे बेड पे सोते हो उसी पे हर कर्म कर लेते हो, तो क्लास में क्यों फेंकेगा? क्लास में फेंका है आज तक कि डेस्क बेंच में चिपका देता है? ये है कार्य, कोई है पापी सब होता है ना, चबाएगा मुंह से ही निकाल के, आप सोचेगा क्या है, दुर्लभ है, वो तो है ये है, ठीक है। यहाँ पर देखो, फेना ही लेना, धो देना, ठीक है। टोटल कैश पेड किया है मान लो 10,000, यानी किताब से ही हालांकि हम क्वेश्चन ले लेते हैं, तो ये आप समझ में आ गया ना कि आपको, इसलिए हम माइनस यहाँ पर किए हैं पिछले साल वाला। और इस साल जो उधारी आपने खरीदा है और उसका पेमेंट नहीं किया है, तो जब उधारी खरीदा है करंट ईयर में पेमेंट नहीं किया है तो इसमें शामिल नहीं होगा जी? उधारी खरीदा है करंट ईयर में पेमेंट नहीं किया है तो क्या वो पेमेंट में शामिल होगा? क्योंकि पेमेंट नहीं किया है, उसी को तो उधारी कहते हैं। तो बंधु उसको बोलते हैं क्लोजिंग क्रेडिटर, करंट ईयर में जो उधारी का बैलेंस, ठीक है, क्लोजिंग क्रेडिटर। तो ये बैलेंस हो गया। अब जैसे मैं अकाउंट बनाकर दिखाता हूँ तुम्हें, ये रहा क्रेडिटर अकाउंट, ये करंट ईयर का था, ऐड कर दिए। अब देखो, पहले से तुमने उधारी खाया था हमारा 3,000 का चुंगम, ठीक है, और तुमने करंट ईयर में खरीदा 2,000 का चुंगम, कुल कितना हो गया? हाँ, चुंग चुंग करो 5। और भैया तुमको पेमेंट तो मांगता है ना, कि पेमेंट नहीं करोगे? नहीं, कहीं वहाँ भी तुम डाउनगिरी दिखा दो, वहाँ भी सुल्तान बन जाओ, पता है जितना को मारे हैं सब डाउन ही था, हम जितना को मारे हैं सब डाउन ही था,
सुने हो कि नहीं? नहीं सुने हैं। अच्छा सुनवा देंगे, चिंता काहे कर रहा है। 5,000 में से तुमने पेमेंट कितना करना है? चिंगम खाए हो? अच्छा कितना पेमेंट करना है? चिंगम तो खा, कितना पेमेंट करना है? 5,000। वो चिंगम खाने में बिजी है, कह रहा है सर मुंह दुख गया है चबाते चबाते। मान लो 4,000 करना है, तो अभी भी कितना बचा हुआ है? 1,000। तो कहने का मतलब दे है ओपनिंग बैलेंस 3, खरीदा 2, तो हो गया कुल मिला के 5, जिसमें से भुगतान कर दिया 4, तो बचा कितना है? 1। अब देखना इसको मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ, ठीक है। पेमेंट बताओ कितना है? 4। 4 आ गया। परचेज निकालना है, मैंने क्या कहा था, अगर परचेज नहीं दिया हुआ हो तो परचेज कैसे निकालेंगे? परचेज कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर मैं क्या निकल जाएगा, परचेज निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देख लेते हैं ना, अपने आ जाएगा यहाँ से, क्लियर। तो कितना भुगतान किए हो? 4। और ये क्या है? वो कितना है? 3। लेस है ना। और ये क्या है? क्लोजिंग क्रेडिट कितना है तुम्हारा? क्लोजिंग 1, ठीक है 1, ठीक। क्या आ जाएगा? परचेज आ जाएगा ना, देख लो कैसे आएगा। 4 में से 3 गया तो एक, और एक और जोड़ दो, दो। अब बताओ परचेज कितना है? दो। समझ रहे हो कि नहीं? ये है स्टेटमेंट फॉर्म करे सॉरी अरे रे लगता है चिंगम हमें भी खाना पड़ेगा। अकाउंट फॉर्मेट फॉर्म और ये है स्टेटमेंट फॉर्म। अच्छा तो अब तो आ गया ना। तो अब हम क्या करेंगे? क्रेडिट मैंने कहा था एक तरफ किसको देखो? क्रेडिटर को, स्टॉक को। तो क्रेडिटर बन गया, यहाँ से परचेज आ गया। अब आ जाओ तुम स्टॉक अकाउंट के तरफ। कौन सा अकाउंट? सर स्टॉक बोल रहे हैं आप, अभी तो मटेरियल बोले थे हम लोग, ठीक है लो मटेरियल अकाउंट। सर कौन सा मटेरियल? अरे तुम्हारे क्वेश्चन में जो भी दिया रहे वो वाला मटेरियल। अब ये चूंकि स्टॉक है बंधु, तो इसका एक ना बैलेंस होगा। जैसे ये लायबिलिटी है, क्रेडिटर क्या होता है? लायबिलिटी, तो इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड। ओपनिंग क्रेडिट में और क्लोजिंग डेबिट में, ठीक। अब जब परचेज आ गया है ना, तो इधर आ जाओ। जब परचेज आ गया तब तो ऐसा ही बनेगा और कंजम्पशन निकल जाएगा, ठीक है। तो परचेज आ गया है तो यहाँ से चलो भैया, परचेज पूरे साल के दौरान तुमने कितना का किया? करेंट ईयर के दौरान 2,000 का, ठीक। पहले से तुम्हारे पास मान लो कितने का था ओपनिंग स्टॉक? पहले से कितना था कुछ भी बता दो। 3,000। कुल मिला के कितना हो गया? और तुमने साल के अंत तक यूज नहीं किया, कितने का यूज नहीं किया, जिसको कहते हैं जो बचा रह गया, कंजम्पशन नहीं हुआ उसका, क्लोजिंग स्टॉक 1,000। तो तुमने यूज कितने का कर लिया? इतने का लागत का तुमने यूज कर लिया। ये आ गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये तुमने कंज्यूम कर लिया, ठीक है। और इतना ही नहीं, इसको अकाउंट में भी देखिए, ये रहा कौन सा अकाउंट, स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट। तो ये स्टेटमेंट फॉर्मेट में देखिए कैसे निकला कंजम्पशन। पहले आपने परचेज निकाला और फिर आपने मटेरियल का कंजम्पशन निकाल दिया परचेज निकालने के बाद। और अकाउंट फॉर्म में यहाँ से पहले परचेज निकाला और ये जो परचेज है ये क्रेडिट में ना है। कौन है रे? ये डेबिट में है। पहले से तुम्हारे पास जो था वो है ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि ये करंट एसेट्स होता है भैया, तो हाँ ओपनिंग स्टॉक यहाँ आएगा। डेबिट बैलेंस होता है तो डेबिट साइड से स्टार्ट करेंगे। बताइए कितना रुपया ओपनिंग स्टॉक है? आप अगर इसी इन्फॉर्मेशंस को सेट करें तो ओपनिंग है 3,000 और परचेज आपने निकाल लिया है कौन सा अकाउंट बनाकर? क्रेडिटर अकाउंट बनाकर, ठीक है। ये जो आपने स्टॉक परचेज किया है मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्रेडिटर, यानी ये परचेज है। तो ये परचेज जो उधारी खरीदा है वो साल भर के दौरान कितना का उधारी खरीदा है?
तो कुल मिला के आपके पास कितना का स्टॉक हो गया? 5,000 का। और 5,000 में से आपके पास बचा हुआ कितना है? 1,000 रुपया नहीं बचा है, रुपया बचा है रे, रुपया बचा है, ये स्टॉक बचा है। तो कहते हो 1,000 रुपया बचा है, 1,000 रुपये का स्टॉक बचा है कि रुपया बचा है? मेडिसिन कहो या मटेरियल कोई भी, कितना रुपया? 1,000। हाँ अभी भी कर रहा है, कितने रुपये का? 1,000 रुपये का, ठीक है। तो 1,000 का बचा हुआ है तो यूज कितने का हो गया? तो मैं यहाँ लिख दूंगा मटेरियल कंज्यूम्ड, सेल नहीं। अरे ढकरना बंद करो, समझ रहे कि नहीं? हाँ ये पूरा देसी अंदाज में कर रहा है तुम, हो गया ना? तो ये जो निकल गया मटेरियल कंज्यूम्ड, ये अंतर के रूप में निकल गया बैलेंसिंग फिगर। और यहाँ जो इस अकाउंट में हमने निकाला था, ये भी दोनों साइड का अंतर ही निकाला था, ठीक है। तो ये परचेज यहाँ आ जाए तो इसको भेज दीजिए मटेरियल अकाउंट में, और फिर इन दोनों को जोड़कर क्लोजिंग स्टॉक घटा दीजिए, ये आ जाएगा मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक। तो पहले वाले दशा में आपने देखा कि परचेज दिया हुआ था, कंजम्पशन निकल गया, क्रिएटर का बैलेंस क्वेश्चन में नहीं था, तब सिंपली ऐसे बनेगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। दूसरे वाले दशा में जब आपको परचेज नहीं दिया गया था तो परचेज निकालने के लिए आपने पहले क्रेडिटर को इन्फॉर्मेशन को लिया कि पूरे साल भर के दौरान कितना का पेमेंट क्रेडिटर को हुआ है, उसमें पिछले साल का क्रेडिटर घटा दिए, इस साल का क्रेडिटर ऐड कर दिए, आपका परचेज आ गया, जैसा कि मैंने अकाउंट में भी आपको दिखाया है, ठीक है। और फिर बंधु इसके बाद मैंने स्टेटमेंट में फिर दिखाया कि जब परचेज आ गया तो परचेज में ओपनिंग जोड़ दिए तो कुल मिला के इतना हो गया वो मटेरियल यूज़ करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, और उसके बाद जो बच गया वो घटा दिए तो जो यूज़ हो गया, कंज्यूम हो गया, वो उसका लागत आ गया। और यही वाला लागत हम कहाँ ले जाएंगे? एक्सपेंडिचर साइड में। और वही चीज़ हमने अकाउंट में भी दिखाया, तो इसी को हम कहेंगे ट्रांसफ़र करो। इसको कहाँ पर ट्रांसफ़र करो? ऑन द डेबिट साइड। वो कहता है क्रेडिट साइड, मतलब गलत बोलने का ठेका अगर ले रखा है तो सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर यही है। तो ये जो इस तरह का बनता है ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वर्ष के अंत में, तो ये वाला भाग जो है सो एक्सपेंडिचर है, यानी डेबिट साइड है। और इसी में हम लिख देते हैं टू मटेरियल, जो भी मटेरियल का नाम हो या मेडिसिन, टू मेडिसिन कंज्यूम्ड कितना रुपया? 4,000। नोट वन या टू जो भी हो तो वो देख लेगा, अच्छा ये नोट वन है, ठीक है, वो नोट नंबर यहाँ लगा देना है। तो दो केस में से कोई भी एक केस पर आपको क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। अब एक अंतिम बात और सुन लो, कभी कभी आपका एक और क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसमें एडवांस में क्रिएटर को पेमेंट रहता है, ठीक है। क्रिएटर को आपने मटेरियल से पहले एडवांस में पेमेंट किया है, किसमें? एडवांस में पेमेंट किया है। तो आजकल तुम लोग ये सोचोगे कि एक दिन दो दिन का एडवांस, नहीं नहीं, एडवांस का पेमेंट नेक्स्ट ईयर में फॉल कर जा रहा है, अगले साल में फॉल कर जा रहा है। एडवांस का मतलब ही क्या है कि जो आपका पेमेंट है वो नेक्स्ट ईयर का है। अब तुम जो देख लो, यहाँ प्रीवियस ईयर है, यहाँ करेंट ईयर है, और यहाँ पर नेक्स्ट ईयर। अब यहाँ प्रीवियस ईयर है तो यहाँ तुमने एडवांस पेमेंट किया है तो वो इसके लिए खर्चा होगा, करंट ईयर का खर्चा होगा, और यहाँ एडवांस पेमेंट किया है तो वो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस होगा। इसका मतलब ये हो गया कि भाई जो प्रीवियस ईयर में एडवांस पेमेंट किया था यहाँ पर, ये करंट ईयर का खर्चा है, ये जोड़ देंगे, यानी ओपनिंग एडवांस पेमेंट जो क्रेडिटर को किया है वो ऐड कर देंगे, और जो क्लोजिंग एडवांस पेमेंट किया है क्रेडिटर को वो इसका खर्चा होगा, यहाँ का खर्चा तो नहीं होगा, यहाँ का खर्चा होगा, तो ये माइनस कर देंगे, ओपनिंग वाला प्लस और क्लोजिंग एडवांस पेमेंट माइनस। तो लो, तो अगर एडवांस पेमेंट भी है तब हमें इस क्रेडिटर में और दो इन्फॉर्मेशन ऐड और लेस करना होगा, यानी तब हम एक यहाँ पर ऐड करेंगे ओपनिंग एडवांस पेमेंट, ये ऐड कर देंगे, और लेस कर देंगे
क्लोजिंग एडवांस पेमेंट, ये वाला लेस कर देंगे। तब जो आएगा वो अमाउंट आ जाएगा परचेज का, वो हम यहाँ ले जाएंगे और एड लेस करके निकल जाएगा। आपको इस टाइप का क्वेश्चन बनवा देते हैं एक, जिसमें सब कुछ हो, सब कुछ हो, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर जो है इस पर बना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंजम्पशन पर जो निकालना है, मैं बता रहा हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर 16, उदाहरण संख्या 16। चलिए, यहाँ पर बनवा रहे हैं 16 नंबर। ये रहा, देखेंगे 16 नंबर सवाल में, क्वेश्चन में देखिए, खोजिए परचेज दिया है क्या, करें 6-7 आइटम है वहाँ पर, 7 आइटम है वहाँ पर परचेज, PURCHASE कहीं लिखा है, जल्दी खोजो, इतना टाइम लगेगा। अभी बोलूँगा कि 1 करोड़ रुपया दूंगा तो बोलोगे जल्दी में यस नो, हाँ नहीं है, अच्छा तो परचेज है ही नहीं, तो पक्का इस विधि से बनेगा, यानी परचेज नहीं दिया गया है। अब सवाल है कि क्या क्रेडिटर के बारे में सूचना दिया है क्या, CREDITOR वो है क्या, ऐसे ऐसे बसहा नहीं बनना है, देख के बताइए, जल्दी से कंफर्म कीजिए। यस सर। है कि तुक्का लगा रहे हो? है सर। अंधेरा में जब कोई सांड आता है गांव में, किसी का खेत जब हरियाली लहलहाता फसल, किसान का जो मेहनत है, हार्ड वर्क है, वो हरियाली से ही पता चलता है। लेकिन उस कहते ना पूस की रात वाली बात, जनवरी का जब सीजन आ जाता है तब ठंडा कितना बढ़ जाता है, और उसमें किसान को ना बहुत मेहनत से किया गया जो खेती है वो वहाँ पर जानवर सब जब चरने लगता है, खाने लगता है, तो इसको यहाँ से तकलीफ़ होता है। तो उसको लगता है कि जब जब उसका नींद टूटता है ना, तो कहता है लगा 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 लगा, बीच बीच में वो आवाज़ इस तरह का देता रहता है, क्यों, ताकि कोई जानवर भी होगा तो इस तरह का जो लग लगा है भाग जाएगा, नहीं रहेगा, समझे। तो इस तरह से ये भी जो है अंधेरा में फेंक रहा है झटहा, लाठी मार रहा है, लगा 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 लग गया तो ठीक है, पूछ रहे हैं तो बिना देखे कह रहा है, कमाल आदमी है पांडे जी, कमाल करते हो, सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो? सच बोल, सच के सिवा तुम कुछ नहीं बोलते गोविंदा जो हो। हाँ तो क्रेडिटर है ना, हो क्रेडिटर, चलो ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर है तो उसके बाद खोजिए खोजिए क्या स्टॉक का सूचना है, STOC के स्टॉक भी है, अच्छा क्या एडवांस पेमेंट है, ADVANCE सब है, तीनों बात है, तब देरी काहे करते हो शुभ काम में, नेकी और पूछ पूछ सवाल बनाओ। तब तो भैया सीधे जो है यहाँ से टोटल कैश पेमेंट हमको बताओ, कैश कितना पेड किया गया क्रेडिटर, खाली गलत बंद मत बताना, टोटल कैश जो CREDITOR को दिया गया है पेमेंट, मैं भी देख लेता हूँ कि क्या है, सबसे ऊपर है कि सबसे नीचे है, मुझे तो ना ऊपर दिखा ना नीचे दिखा, देखते हैं बीच में। क्रेडिटर 4 नंबर में है, देख लो 4 नंबर में 10,800 उस लड़के को मिल गया, लिख दो भैया 10,800 कंजम्पशन निकाल रहे हैं एक साल के दौरान, कितना का कंजम्पशन हुआ है ये निकाल, ये मकसद मत भूल जाइएगा क्या निकाल रहे हैं, उपभोग किया गया कितने के सामग्री की लागत है, मतलब सामग्री की लागत जिसको उपभोग कर लिया है वो उसका लागत कितना है ये निकाल रहे हैं, ताकि उसे एक्सपेंडिचर साइड में दिखाया जा सके। अच्छा एड आप देख लो, इधर साल के शुरू का क्रेडिटर बताओ, डेट से पता लग जाएगा, इसमें 2 तरह का डेट है, एक है 1 अप्रैल और एक है 31 मार्च, तो शुरू वाला कौन सा होता है 1 अप्रैल, उसमें खोजिए क्रेडिटर ऑफ 1 अप्रैल वाला 2000, हाँ तो ऐड कीजिए ओपनिंग
क्रेडिटर, ऐड कर दिए, कितना ऐड कीजिए, 2000, मैं तो 1000 लिख दिया, हो गया। अब 31 मार्च वाला खोजिए, क्रेडिटर 1300, तो चलो यहाँ पर खेजिए, इसको लेस कीजिए। हे भगवान, तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे हो, मैंने यहाँ पर लिखा है ओपनिंग क्रेडिटर ऐड, सर पिछला साल का क्रेडिट है, तो ऐड करें कि लेस करें, लेस करेंगे, तो तुम लोग रोक नहीं सकते। इसलिए समाज में आजकल इतना कुरूति हो गया है कि बड़े बुजुर्ग हो या छोटे हो, सब अपना अपना तरीके से अपराध कर रहा है, समझ रहे कि नहीं, कोई रोकने वाला नहीं है, सब अपना राजनीति रोटी सेकता है। तो हम गलती करें, बड़ा भी गलती करें ना, तो उसको रोकिए जरूर कि सर वो गलती कर रहे हैं। आँख मूंद के जो विश्वास कर लीजिएगा, तो आजकल लोग ना सबसे पहले बड़ा बेवकूफ उसी को समझता है। क्वेश्चन करते रहिए, क्रॉस मार्क, क्रॉस मार्क समझते हो ना, पगला क्वेश्चन मार्क ना कि क्रॉस मार्क, कहाँ तुम लोग खो जाते हो यार। हम लोग क्वेश्चन करते रहिए तो क्वेश्चन मार्क ना बोलेंगे जी, क्रॉस मार्क तो ये होता है, ये वाला, हाँ मानसिक तनाव। देखो ये है क्रॉस, ये वाला है क्रॉस, गला में लटका के घूमता रहता है, कहता है ओ माय फादर, डियर फादर, मुझे ब्लेसिंग दें, हाँ ताकि मैं क्रिश्चियन क्रिश्चियन। चलो यहाँ पर मैंने गलत लिखा है ना, चलो गलती को दूर करो, प्लस यहाँ पर कर देंगे ऐड। चलो हो गया, वो कहता है क्लोजिंग जल्दी से लिखिए नहीं तो हम भाग जाएंगे। लो भैया तुम्हारी मांगे पूरी हो गई, 1300, क्या करें घट गया ना, है पगला है का, घटेगा, बार बार कह रहे हैं दिमाग खुला रखिए, चिल्लाते रहिए लड़की, हो गया करेगा। लो मन की इच्छाएं पूरी, 2000 घट गया और 1300 जुड़ गया, क्रेडिटर का खेल खत्म। अब कौन आ रहा है मालूम है ना, स्टॉक आने से पहले क्रेडिटर को जो एडवांस पेमेंट दे रखा है उसका काम तमाम करो ना, क्रेडिटर से संबंधित 5 बात आ गया यहाँ पर। तो भाई ओपनिंग एडवांस पेमेंट खोजो, एडवांस शब्द लिखो है, एडवांस 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 एडवांस, मिल जाओ मिल जाओ मिल जाओ, कहाँ है कहाँ भैया एडवांस, सबको दिखा सबको दिखा, अरे तुमको दिखा, इधर देखना है तुमको कैमरामैन, इधर ओपनिंग एडवांस पेमेंट दिखाओ, ओपनिंग एडवांस पेमेंट दिखाओ बंधु, सब कंफर्म करेगा तब मैं आगे बढ़ूंगा, जल्दी कंफर्म करो। क्या पढ़ रहा है, चूड़ी टिक्का क्या पढ़ रहा है रे, मुझे मत दिखाओ, मुझे याद है सब, मुझे मत दिखाओ, हाँ ये हमको दिखा रहा है सबूत, अरे जज को सबूत दिखा रहा है, तुम जज को सब पता है, तुम बोलो ना आपस में लड़ो ना, हम देख फैसला हम सुना देंगे ना, तुम पहले बताओ, तुम लोग बताओ। हेलो ओपनिंग एडवांस पेमेंट, अच्छा चलो हम भी खोज लेते हैं, ये 3000 स्टॉक का है, अगला क्रेडिटर का है, तीसरा एडवांस का है, और ये 2021 लिखा है, तो 2021 लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, 2021 लिखा है इसका मतलब क्या होता है, 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2022 2021। अच्छा ये बताइए कि क्रेडिटर वाला जो सूचना था, जो सवाल जो कह रहा है आपको बनाने के लिए, तो सबसे ऊपर देखिए वहाँ लिखा गया है कि 21-22 के लिए बनाना है आपको, किसी के किताब में ये आगे पीछे होगा, ये हो सकता है वर्ष, मेरे पास है वो 21-22 है, तो 21-22 के लिए आपको बनाना है, तो ये करंट ईयर हो गया, तो यहाँ पर क्या है 2021, तो ये तो पिछला साल ना हो गया, तो ओपनिंग एडवांस पेमेंट है, ये तीसरा वाला नंबर जो है 200 रुपया, ये ओपनिंग एडवांस पेमेंट है, यानी पिछला साल एडवांस में पेमेंट किया गया वो यहाँ का खर्चा है कि नहीं, करंट ईयर का तो ऐड करेंगे ना, ऐड कर दो ओपनिंग पेमेंट 200 रुपया, ऐड कर दिया। अब क्लोजिंग एडवांस पेमेंट खोजो, है ना 300, क्लोजिंग का मतलब क्या, करंट ईयर में एडवांस पेमेंट किया गया जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए है, तो वो करंट ईयर का खर्चा तो नहीं है, करंट ईयर का है नहीं है, लेस
वो कह रहा है लेस कर दीजिए, तो हमने लेस कर दिया। क्लोजिंग एडवांस पेमेंट कितना रुपया? 300 लेस कर दिया, हो गया लेस। और बताओ अब जो भी आएगा अमाउंट उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग एडजस्टमेंट कर देना है, समझ गए। और अगर लगातार लिखना है कॉन्टिन्यूसली, सीधे कंजम्पशन निकालना है, क्या कर रहा है, परचेज निकालना है, क्या निकालना है, वो कर रहा है स्टेशनरी। अरे सवाल पढ़ने से पहले काहे के लिए झटा मार रहा है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड, सवाल में सबसे ऊपर लिखा हुआ है रे, सबसे ऊपर देखो, सबसे ऊपर पहला लाइन कह रहा है स्टेशनरी कंज्यूम्ड, वो निकालना है। तो मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ, बिना परचेज निकाले भी निकाल सकता हूँ। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक अमाउंट आ जाएगा और इस अमाउंट में मैं क्या करूँगा, ओपनिंग स्टॉक जोड़ दूंगा और क्लोजिंग घटा दूंगा। तो लो, तो यहाँ पर ऐड करो ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक है क्या इसमें? शुरू का देखो, स्टॉक ऑन 31 मार्च 22 है एक स्टॉक, और एक और स्टॉक है सबसे ऊपर 1 अप्रैल 21, तो वही 3000 है ओपनिंग, है ना। तो 3000 बंधु है ओपनिंग, तो ओपनिंग घटेगा कि जुड़ेगा, जुड़ जाएगा कि घटेगा, पगला है का रे। बोले थे तुम्हारे जेब में पहले से 5 गो चॉकलेट था और 3 गो चॉकलेट तुम और खरीदा, तो कै गो चॉकलेट हो गया? 8 गो। जानोगे ना पूरे साल के दौरान कितना था मेरे पास, ये जानोगे ना तुम, और उसमें से कितना हमने हम अभी बचा हुआ है, मान लो 2 गो बचा हुआ है, तो खा कितना गया? तो जो बचा हुआ है, जिसको यूज नहीं किया, वो ना घटेगा, तब ना पता चलेगा कि खा कितना गया। ये बताओ, तुम जितना खा गया उसके लिए तुम्हें जो बचा हुआ है उसको घटाओगे, या जो बचा है उसको जोड़ लोगे? उसको घटाओगे, क्लोजिंग स्टॉक को घटा लेगा, जो अभी जेब में बचा हुआ है ना उसको वो घटा लेगा। वो कहता है कि जेब में रखा है, कहता है कि क्लोजिंग है ये नहीं खा, वो भी खा गया, उसको जोड़ रहा है उसको। हम कहते हैं कितना खाए हो, तो जो जेब में रखा हुआ है उसको भी ये जोड़ रहा है, कह रहा है कि हम ये भी खा गए। अरे तो फिर जेब देखे तुम्हारा, क्लोजिंग स्टॉक निकला जी, 2 गो चॉकलेट है, कहाँ से आया हो? अजीब शर्मा जी, ऐसे मत बोलो, ये जेब में जो लेके चले, कौन कैसा अकाउंटेंट है भाई। तो ओपनिंग स्टॉक जुड़ेगा, है कि नहीं? बल्कि कल तोरा देने रही है 2 गो चॉकलेट से, वो बोला तो खा गया। ओपनिंग स्टॉक जुड़ गया और क्लोजिंग स्टॉक जो कि इस साल खपत नहीं होगा, खपत होगा ये अगले साल, तो अगले साल इसको जोड़ना, क्योंकि अगले साल ये ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो क्लोजिंग जो बच गया है उसे खपत नहीं किया गया है, तो उसको लागत से बाहर फेंक दो, उसके लागत वाले छिट्टा से बाहर फेंक दो, छिट्टा समझते हैं, हाँ बाहर फेंक दो, बाहर निकालो इसको, भागो भाई, गेट आउट फ्रॉम हियर। कितना रुपया है? 1200। 500 और चूना 100। 5 से याद आया, क्लोजिंग हम तो तुमको भी जो है सो पान खिलाएंगे, तुम लोग क्या सोच लिए, खा जाएंगे? बोले तुमको भी पान खिला देंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा तुम अपना हाइट बड़ा कर लो, अभी बहुत छोटे हो। लिखो यहाँ पर मेरे साथ, 500 कि चूना 100, घट गया, पनघट हो गया, 500 घट गया, पनघट हो गया। अब बताओ निकालें क्या आंसर, कैमरामैन जूम कीजिए, अच्छा डिस्प्ले साफ, 10800 ठीक है जी, माइनस 2000 प्लस 1300 प्लस 200 माइनस 300 अब प्लस 3000 माइनस 500 12500 आ गया आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 12500। ये क्या था, दवाई था कि सीधे कुछ ऐसे स्टेशनरी था? कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी आइटम समझते हो ना, जिससे हम लिख रहे हैं वो भी स्टेशनरी आइटम है। कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड, पेन हो, कॉपी हो, कलम हो, ये सब ड्यूरिंग करंट ईयर। तो ये वाला जो है सो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में, कौन से अकाउंट के,
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इतना लागत 12,500 का खर्चा कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, करंट ईयर का खर्चा। तो जितना हमने यूज किया, कंज्यूम किया, उसका ये लागत है। सब समझ गए? ठीक है, धन्यवाद।